ये एक साइज प्रॉब्लम है और इसमें बोन अप्रोक्सीमेशन को यूज़ करना है। स्कैटरिंग पोटेंशियल हमें इस फॉर्म में गिवन है, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन थोड़ी ट्रिकी होगी बाकी। तो ये डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन हमने इसका कैलकुलेट करना है, देन टोटल क्रॉस सेक्शन इसका कैलकुलेट करना है। तो अभी पोटेंशियल हमें गिवन है और तो फर्स्ट बोन अप्रोक्सीमेशन वो जो क्यू डॉट ए थी ना वो यूज़ करेंगे, क्योंकि अपेरेंटली तो मुझे ये लग रहा है कि दिस इज़ नॉट स्फेरिकल पोटेंशियल, ठीक है। तो एहतियातन वही वाला यूज़ करते हैं जो कि नॉन स्फेरिकल पोटेंशियल या हर किसी पोटेंशियल के लिए अप्लाइड होता है। तो वी आर गिवन विद पोटेंशियल विच इज़ दिस, ओके। और बोन अप्रोक्सीमेशन को यूज़ करते हुए डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन एंड हैंस टोटल क्रॉस सेक्शन को कैलकुलेट करना है। तो मेरा तरीका यही होता है, मैं एफ ऑफ थीटा पहले फाइंड आउट करती हूँ। तो ये माइनस म्यू बाय टू पाई एच कट स्क्वेयर एंड माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ज़ीरो टू आयोटा के डॉट आर प्राइम क्यू डॉट आर प्राइम और पोटेंशियल डी क्यूब ऑफ आर प्राइम, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप इज़ टू पुट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल राइट देयर, और ये फिर इस तरह से हो गया है क्यू डॉट आर प्राइम। और ये अगर नोटिस किया जाए तो जब भी हम ये वाली फॉर्म यूज़ करेंगे ना, ज़्यादातर यही होगा कि हम एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स में ही इसको कैलकुलेट करेंगे या सॉल्व करेंगे। तो द सेम वे जैसे इससे पहले जो प्रॉब्लम था उसमें किया था, इसके थ्री कंपोनेंट्स आ जाएंगे। एक्स कंपोनेंट को मैं क्यू वन कह रही हूँ, ठीक है, जस्ट के ये हम मिक्स ना कर दें कि मैंने ये एक्स ये वाला है, ये सबस्क्रिप्ट वाला है। तो इसलिए मैं ये इसका z कंपोनेंट, ये इसका y कंपोनेंट, ये इसका x कंपोनेंट ऑफ q वेक्टर, और ये r वेक्टर्स के ये प्राइम प्राइम में भी कर सकते हैं, प्राइम प्राइम में है तो वो प्राइम में कर देते हैं। और ये जो है इसको भी, ये जो r स्क्वायर है, r स्क्वायर इज़ r एक्स वाई प्राइम का स्क्वायर, तो ये सारे प्राइम में, क्योंकि ये हमने पोटेंशियल को प्राइम कोऑर्डिनेट्स में डालना था। तो ये ए स्क्वायर सब के साथ में सेपरेटली लिख देती हूँ, और ये डी एक्स डी वाई डी जी, तो ये प्राइम प्राइम में जस्ट वो मुझे अच्छा नहीं लगता प्राइम, तो मैं प्राइम लिखूंगी नहीं, लेकिन आपने प्राइम ही लिखना है, मेहनत थोड़ी बच जाती है। तो ये माइनस एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर, ठीक है, ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर, ई टू द पावर माइनस वाई जी स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर, उसी तरह डी एक्स डी वाई डी जी, और ये थ्री इंटेग्रल्स में डिवाइड हो गया है, तीनों इंटेग्रल्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक रन कर रहे हैं। तो ये हम तीनों इंटीग्रल्स को सेपरेट कर देते हैं, एक्स का सेपरेट, वाई का सेपरेट एंड जी का सेपरेट। अगर वैसे एक को एवेल्यूएट कर लिया ना तो दूसरों की वैल्यू भी सिमिलर ही आएगी। अगर हम देखें तो इंटीग्रल की नौइयत सेम है, बस वेरिएबल डिफरेंट है। अगर मैंने ये इवेल्यूएट कर दिया ना तो ये वैसा ही होगा फॉर्म जैसे इनका होगा, ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं ये सिमिलर ही हैं। तो सबसे पहले मैं एक इंटीग्रल को लेती हूँ, और एक इंटीग्रल को मैंने आई के लेट कर लिया है। तो अब इसको इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हम फर्स्ट ये करेंगे कि यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों एक्सपोनेंशियल आ गए ना और इस पर स्क्वेयर आ गया है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है उनके पावर का डेरिवेटिव साथ बन रहा हो तब उनकी इंटीग्रेशन पॉसिबल होती है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम इसे डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल कर लेंगे इस तरह। तो विद रिस्पेक्ट टू क्यू वन, तो ये क्योंकि पार्शियल बाय पार्शियल क्यू वन है, क्यू वन के रिस्पेक्ट से, तो यहाँ पे ये डी एक्स का इंटीग्रल, तो ये इसके अंदर जा सकता है और ये अप्लाई हो जाएगा इस पर सिर्फ, क्योंकि और सारी क्वान्टिटीज़ तो उसके लिए कॉन्स्टेंट हैं, उन पर अप्लाई नहीं होगा। तो ये जब इस पर अप्लाई होगा तो ई टू द पावर आयोटा क्यू वन एक्स एज इट इज़, और पावर का डेरिवेटिव विच इज़ क्यू एक्स आयोटा एक्स आएगा, क्योंकि क्यू वन अब इसमें वेरिएबल है, जबकि आयोटा का एक्स बाहर आ जाएगा और क्यू वन पे डेरिवेटिव लगेगा विच इज़ वन। देन तो नेक्स्ट इज़ के ये आयोटा हमने बाहर ले लिया, तो ये एक्स ई टू द्वारा ये इन दोनों को इकट्ठा करते हैं, वो डॉट ई टू द्वारा आयोटा क्यू वन एक्स। अब इस पे वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई करते हैं, दिस इज़ फर्स्ट टर्म, दिस इज़ सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकेंड टर्म की इंटीग्रेशन, देन फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव,
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो आयोटा क्यू वन बाहर आ जाएगा और इसकी इंटीग्रेशन एक्स ई टू दफा माइनस एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर की डी एक्स और डी एक्स। तो ये अयोटा ई टू दफा अयोटा क्यू वन एक्स, और इसकी इंटीग्रेशन के लिए ये होगा कि इसकी पावर का डेरिवेटिव सात होना चाहिए और पावर है यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर, इसका डेरिवेटिव बनता है माइनस टू एक्स बाई ए स्क्वेयर। एक्स तो है माइनस टू बाई ए स्क्वेयर सात चाहिए, तो उसके लिए हम ये कहते हैं कि माइनस टू बाई ए स्क्वेयर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इधर माइनस ए स्क्वेयर बाई टू इन्वर्स में लिख देते हैं ताकि ये कैंसिल होंगे। तो मतलब जो मैथमेटिकल इक्वेशन की पोलैरिटी में कोई चेंज ना है, तो ये आयोटा क्यू बाहर आ जाएगा क्यू वन ई टू दफा आयोटा क्यू वन एक्स, और इसमें भी सिमिलर थिंग होगी, ए स्क्वेयर बाई टू इधर आएगा जबकि ये इसके साथ ये वाली टर्म ये पूरी ऐसे आएगी। तो ये आयोटा ये माइनस ए स्क्वेयर बाय टू ई टू दफा आयोटा क्यू वन एक्स, और ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगी आयोटा क्यू वन, इसकी भी ये माइनस ए स्क्वेयर बाई टू में बाय ले लेती हूँ, जिसके अंदर आयोटा क्यू वन एक्स ई टू दफा माइनस एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर डी एक्स दोबारा आ जाएगा। तो ये आई ही है जो पहले हमने लिया था स्टार्ट में, तो यहाँ पे इसकी जगह हम आई लिख देंगे। तो ये डी आई बाय डी क्यू वन इज इक्वल्स टू आयोटा, और एक क्वान्टिटी तो ये है क्यू, ये ए स्क्वेयर बाय टू आयोटा क्यू वन एक्स ई टू दफा माइनस एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर, और इस पे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लगा देंगे, ये प्लस ए स्क्वेयर बाई टू आयोटा क्यू वन, इसकी जगह आ जाएगा आई ब्रैकेट्स क्लोज। तो इससे पहले हम इसे मज़ीद सॉल्व करें, ठीक है, ये आयोटा इसके साथ भी है इसके साथ भी, इसकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो ये कुछ ईजी फॉर्म हमारे लिए बन जाएगी। तो ये सबसे पहले अपर लिमिट इन दोनों को, ये जो वेरिएबल है उनको ही मैं लेती हूँ समझाने के लिए कि ये कैसे होगा। x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी माइनस लो लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी ई टू द पावर आयोटा क्यू वन एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर, ठीक हो गया। तो जब अपर लिमिट इसमें पुट करेंगे इन्फिनिटी, ठीक हो गया, तो ये इन्फिनिटी हम अब इसमें ये अगर हम लिमिट इंसर्ट करेंगे ना, ठीक है, तो ये इसमें जो डोमिनेंट फैक्टर होगा ना वो ये वाला होगा, क्योंकि ये स्क्वेयर की पावर से डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, एक्स स्क्वेयर दिस इज़, ये शार्पली डिक्रीज़ होगा और ये फंक्शन इस पूरी लिमिट को एग्जिस्ट करने में हेल्प करेगा क्योंकि ये इन्फिनिटीज़ में है ना। तो जिस पे लिमिट अप्लाई होगी और जो सबसे पहले डिक्रीज़ कर देगा फंक्शन को, अप्रोच कर देगा ज़ीरो पे, वो ये वाला होगा, और इसी में हमने लिमिट्स को पुट करना है, ये वाली इसकी मैटर नहीं करेंगी। तो इसमें जब हम माइनस अपर लिमिट पुट करेंगे इन्फिनिटी का स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर, इसमें नहीं पुट करनी, और ये जो है इसी में माइनस इन्फिनिटी का स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर पुट करेंगे, ठीक है। तो ये माइनस इन्फिनिटी का स्क्वेयर इज़ इन्फिनिटी का स्क्वेयर, तो ये ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा, और ये जब ई टू द पावर नीचे जाएगी तो ये वन ओवर इन्फिनिटी एंड दिस इज ज़ीरो, और इसी तरह ये भी होगा क्योंकि इसकी पावर में स्क्वेयर है ना, ई टू द पावर अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी होती ना तो वो फिर इन्फिनिटी ही आती है, अगर नेगेटिव इन्फिनिटी है तो वो नीचे जाता है, और ये नीचे इन्फिनिटी को बनाते हो ये ज़ीरो हो जाता है। तो इस तरह ये वाला जो इंटेग्रल है ना, ये इसकी जब डेफिनेट इंटीग्रल हम कैलकुलेट करते हैं तो ये इस तरह से आ जाता है। जैसे एक हमारे पास जो बच गया है वो डी क्यू वन आयोटा टाइम्स ए स्क्वेयर बाई टू आयोटा की वन क्यू वन आई बच गया है, ठीक है, वो दूसरा इंटीग्रल हमारे पास ज़ीरो बन जाता है। तो जब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन उन पर पुट की जाती हैं तो ये आयोटा आयोटा स्क्वेयर बन गया ए स्क्वेयर बाई टू क्यू वन आई, और इसको हम इसको इधर ले आते हैं आयोटा स्क्वेयर ए स्क्वेयर बाई टू, और आयोटा को यहाँ पे ख़त्म नहीं करेंगे हम, ठीक है, फोर वन नहीं ख़त्म करना। तो इस पूरी क्वांटिटी को ना हम लेट कर लेते हैं, ये ए भी नहीं बी है लेट से, ठीक है, बी ठीक हो गया। तो नेक्स्ट इज़ कि हम ये उधर ही ले जाते हैं और ये आई वाला इधर ले आते हैं, और बी अच्छा इसमें क्यू वन था, क्यू वन को रहने देना है, ठीक है, क्यू वन बाहर ही रहने देना क्योंकि इंटीग्रेशन में क्यू वन चाहिए होगा ना। तो ये बी आई क्यू वन डी क्यू आई, ये आई इधर, ठीक है, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ आई इंटीग्रेशन लेंगे दोनों तरफ, तो बी इज़ कांस्टेंट, तो ये क्यू वन स्क्वेयर
बाई टू ठीक हो गया, प्लस सम कॉन्स्टेंट सी जो कि नेचुरल लॉग ऑफ सी की फॉर्म में मैं लिख रही हूँ, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट इज यहाँ से, यहाँ पे मैं लिखती हूँ नेचुरल लॉग ऑफ आई, इसके साथ हम बी क्यू वन स्क्वेयर बाई टू नेचुरल लॉग ऑफ ई लिख देते हैं। तो ये ई की पावर में ये चला जाएगा जो कोफिशेंट है नेचुरल लॉग का, तो ये बी क्यू वन स्क्वेयर बाई टू प्लस नेचुरल लॉग ऑफ सी, तो दो नेचुरल लॉग ऐड हो रहे हो तो आप इकट्ठा कर सकते हैं क्यू वन स्क्वेयर बाई टू, तो यहाँ पे ये नेचुरल लॉग हो ये नेचुरल लॉग कैंसिल, तो आई की वैल्यू यहाँ से भी हमें मिल गई है आई टू बी इक्वल्स टू सी ई टू द पावर बी क्यू वन स्क्वेयर बाई टू। और जो बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू हमने ये क्या ली थी, ये थी आयोटा स्क्वेयर ए स्क्वेयर बाई टू माइनस ए स्क्वेयर बाई टू। आयोटा की वैल्यू स्क्वेयर की बेशक पुट कर दें, कोई नहीं इसका फ़र्क पड़ा, कोई मुझे लगा शायद कोई फ़र्क पड़ेगा मे भी, मतलब आगे वो किसी तरह अंडर रूट आ जाए और ऐसा कुछ हो जाए। तो ये टू और ये टू फोर हो गया, तो अभी तक ये फॉर्म बनी है। सी की हमें वैल्यू चाहिए, सी की वैल्यू हमें मिलेगी बाई पुटिंग इनिशियल कंडीशन ऑन दिस क्यू वन के लिए, कि अगर हम इनिशियली देखें जब कोई भी स्कैटरिंग नहीं हुई थी तो क्यू वन उसमें ज़ीरो होगा, ठीक है, जब स्टार्ट में कोई भी स्कैटरिंग नहीं होती। तो हम यहाँ पे इसी इंटीग्रल को इवेलुएट करेंगे और इसमें पुट करेंगे क्यू वन ज़ीरो, ठीक है, तो ई टू द पावर ज़ीरो वन ही हो जाएगा, तो ये हमारे पास इंटीग्रल बच जाएगा। और इस इंटीग्रल की इवेलुएशन अगर मैं कराऊँ तो ये फिर एक और लेंथी चीज़ बन जाएगी, लेकिन तो मैं इसकी इवेलुएशन करा देती हूँ, लेकिन जिन्हें नहीं करनी वो डायरेक्ट आंसर इसका देखना है, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर ये भी करा देती हूँ या क्या करूँ मैं। तो इस इंटीग्रल की इवेलुएशन में हमारे पास जो आता है, तो ये हमें सी की वैल्यू देगा, और इस इंटीग्रल की इवेलुएशन के स्टेप्स यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर टी वन ओवर ए स्क्वायर है, मैंने यहाँ पर लेटिंग ये कर दी थी। तो ये एक मेथड है तो ईजी, लेकिन टाइम नहीं है अभी, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पाई ए स्क्वायर आएगा, ठीक है, अंडर रूट पाई ए स्क्वायर। तो सी की जगह यहाँ पे हम अंडर रूट पाई ए स्क्वायर इंसर्ट करेंगे यहाँ पे सी की जगह, तो ये अंडर रूट पाई ए स्क्वायर माइनस क्यू वन स्क्वायर ए स्क्वायर बाय फोर, ये आई की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो और अगर वो जो एक्स वाई जी के लिए भी कैलकुलेट करना है तो ये पाई ए स्क्वायर ही ई टू द पावर माइनस क्यू टू स्क्वायर ए स्क्वायर बाय फोर हो जाएगा, और उसी तरह z के लिए q3 थ्री ए स्क्वेयर बाई फोर हो जाएगा। तो अब जो f ऑफ थीटा की हमारी एक्सप्रेशन थी वो हम देख सकते हैं कि ये माइनस वी नॉट टू बाई एच कट स्क्वेयर, तो ये जो है तीनों दफ़ा ये कांस्टेंट आएंगे रिपीट होंगे, तो ये पाई ए स्क्वेयर का थ्री क्यूब बन जाएगा, और ये तीन आ जाएंगे q3 थ्री स्क्वेयर ए स्क्वेयर बाई फोर, तो ये सारी एक्सपोनेंशियल में एक दूसरे के साथ ऐड हो रही होंगी। ए स्क्वेयर बाई फोर कॉमन ले लूँ तो ये क्यू वन स्क्वेयर प्लस क्यू टू स्क्वेयर प्लस क्यू थ्री स्क्वेयर आ जाएगा, जिसे हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वेयर। ये जो प्रीवियसली ये फिर पाई की पावर थ्री बाई टू बन जाएगी, ये इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये ए का क्यूब सिंपली आ जाएगा, ये माइनस ए स्क्वेयर बाई फोर और ये क्यू स्क्वेयर बन जाएगा, ठीक है। और क्यू हमें पता था कि वो क्या है, टू के साइन थीटा बाई टू, ये स्टार्टिंग में हमने देखी हुई थी ये एक्सप्रेशन। तो ये एफ ऑफ थीटा हमारे पास आ चुका है, और डी सिग्मा बाई डी ओमेगा इसका स्क्वायर बन जाएगा, तो ये ये इन सब के स्क्वायर लिख देना है जस्ट, ये पाई और इसको भी सॉल्व कर लेना है, इसका स्क्वायर थ्री इसको बना देगा, ये इसको सिक्स बना देगा, ये माइनस ए स्क्वायर ये बाई टू हो जाएगा क्यू स्क्वायर, क्योंकि पावर टू तो टू ही है ऐसे, तो ये डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, और इसका फर्दर ऑन ये निकालने के लिए टोटल क्रॉस सेक्शन हम इसकी जगह ये पुट करेंगे, तो ये म्यू स्क्वेयर वी नॉट स्क्वेयर फोर पाई स्क्वेयर एच कट फोर पाई क्यूब ए सिक्स माइनस ए स्क्वेयर बाई टू, ये फोर के स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई टू। अब इसका सॉल्व करना है साइन थीटा डी थीटा, और एक टू पाए जो के आ जाता है, ऐसे कर दिया ये इंटीग्रेशन फ्रॉम ज़ीरो टू पाए, आई होप ये समझ आ रहा होगा अभी। ये इन सब को सिंप्लीफाई करना है, काफ़ी सिंप्लीफाई करना है, और तो
तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन को लिखने के लिए अगर मैं सिर्फ इंटीग्रेशन की बात करूं तो ये 4k² है ना, तो ये साइन स्क्वेयर थीटा बाई टू 1 माइनस कॉस थीटा के इक्वल होता है। ये पहले भी हमने देखी थी बात, ठीक है। ये जो साइन थीटा है डी थीटा, इसको डी ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन के साथ लिख सकते हैं, और ये ऐसा ही बन गया है कि ई टू द पावर, ये कांस्टेंट, इसे मैं लेट से सी कांस्टेंट कह देती हूँ, वो 1 माइनस एक्स, ठीक है, और ये हो डी एक्स। तो ये पावर का डेरिवेटिव यहाँ पे बन रहा है सी माइनस माइनस सी बनता है। तो सी इज़ अ कांस्टेंट, वो आराम से हम साथ में डेवलप कर सकते हैं। तो इसकी इंटीग्रेशन सिंपली ई टू द पावर सी 1 माइनस एक्स आ जाएगी, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 to π अप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा, जैसे ये मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है, ये इसी चीज़ को यहाँ पे मैंने किया हुआ है। तो ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।